ये रात में 3 बजे क्या कर रही है, अपनी छतरी खोल के देख रही है मतलब कुछ नहीं रात में 3 बजे से शक चढ़ा अपनी छतरी। छाता बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ये खरीदी है, देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ। बताओ कर लो तो बोल रही हूँ कर छाते में भग गया वो। अरे क्या पका रही है रात में 2 बजे ओहो जनाब आज झूले में बैठे हैं, झूला झूल रहे हैं। ओहो ताली दे। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं जा रहा हूँ जिम में रेडी होकर, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक बात बोलनी है। वो ये बोलनी है कि कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, एक्चुअली हम दोनों को मैसेज कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ, कई सारे यूट्यूब में कई सारे न्यूज़ पोर्टल पर ये खबर आ रही है कि मम्मी बनने वाली हूँ, पापा बनने वाला हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ऐसे किसी भी बात पे आप यकीन ना करें, बहुत से लोग आपको मिसलीड करते हैं और वो कर रहे हैं। ये समझिए ना, ये सोचिए कि हम छोटी से छोटी चीज़ आप सबसे शेयर करते हैं तो इतनी बड़ी चीज़ हम आप सबको कैसे नहीं बताएंगे। अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जब भी आ गया होगा सबसे पहले मैं वादा करता हूँ कि आप सबको पता चलेगा हमारे थ्रू। तो प्लीज़ जो भी आपको मिसलीड कर रहे हैं उन पर ध्यान ना दें। और बस अभी मैं चलता हूँ जिम और फिर उसके बाद मिलकर आपसे बात करते हैं। We'll be right back.
मैंने इनको पकड़ लिया, ये हर बार मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं अपने कपड़ों पर से टैग्स उतारना भूल जाती हूँ, मैं चप्पल का स्टिकर उतारना भूल जाती हूँ। ये देखिए जनाब की एक्साइटमेंट, ये देखिए। ओ, हो गया है मेरा वर्कआउट और मैं आ गया हूँ घर। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। मैं लूंगा बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रोटीन। तो ये इंडिया का पहला रिफ्रेशिंग लाइट एंड क्रिस्प वे प्रोटीन है जो आपको ऑलमोस्ट एक फ्रूट जूस की तरह ही लगेगा। तो ये है वर्ल्ड क्लास फॉर्मुलेशन ऑफ 26 ग्राम प्रोटीन फ्रॉम हाइड्रोलाइज्ड एंड आइसोलेटेड वे प्रोटीन। और उसके साथ साथ इसमें है पर सर्विंग 15 ग्राम्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, 5.5 ग्राम ऑफ BCAA, 6 ग्राम ग्लूटामिन एंड जीरो शुगर, क्योंकि ये शुगर फ्री है। और तो और ये सात अमेजिंग डिलीशियस फ्लेवर में है और मेरे पास है मैंगो। हाँ हाँ भाई, मुझे पता है कि मैं मैंगो नहीं खाता हूँ, लेकिन मुझे इसमें मैंगो पसंद है, तो ये मेरे पास है मैंगो। और इसके साथ साथ इसमें है लीची है, गुआवा है, ब्लूबेरी है, पाइनएप्पल है और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी ले सकता है। जरूरी नहीं कि आप अगर सिर्फ जिमिंग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो ही आपको ये लेना है। आप इसे वैसे भी यूज कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। और ये एक बहुत ही अच्छा मील रिप्लेसमेंट है। सपोज जैसे कि मैं डाइट करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको पता है कि मील बहुत मैं कम पोर्शन में लेता हूँ, तो कभी कभी बीच में जब मुझे भूख लगती है अपनी क्रेविंग मिटाने के लिए मैं इसको लेता हूँ, तो मेरा वो क्रेविंग भी खत्म हो जाती है और थोड़ा सा मुझे फील होता है कि अच्छा ओके मेरे पेट में कुछ गया। बहुत अच्छा टेस्ट है। अब आप खुद सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंगो है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है, तो वाकई में बहुत अच्छा है। और जैसे कि मेरे पास है अभी आधा किलो का डब्बा, यानी 500 ग्राम का डब्बा, तो इसमें अलग अलग साइज के भी डब्बे आते हैं, जैसे कि आधा किलो का, एक किलो का, 1 kg, 2 kg, अपने हिसाब से। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको ऑर्डर कर सकते हैं। मैं तो डेफिनेटली आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार तो इस आपको इसको ट्राई करना चाहिए। और इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको प्रोटीन का टेस्ट नहीं पसंद है, तो वो ये प्रोटीन ले सकते हैं। अगर आपको परचेस करना है तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और जब आप इसको परचेस करेंगे तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा, जो है BM Shoaib, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, ठीक है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑर्डर कीजिए। क्या प्रिपरेशन चल रही है? केक बन रहा है। केक बन रहा है? फिर से केक बन रहा है? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा आप बताओ। क्योंकि आज है 23rd of June, मतलब रात को 12 बजे से लग जाएगा 24th of June, यानी अम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तो थोड़ी सी अभी लो है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों भाई, क्यों तबीयत ठीक नहीं है? पता नहीं, ऐसे एक दो कल इसने रात में लगा दी कभी खुशी कभी गम, 5 बजे से पहले नींद नहीं आई, उसके बाद कर ली सोचने था। अच्छा, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैडम को आप जानते हो कि भली कितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन घर का कोई फंक्शन है तो केक तो इनको बनाना ही है, चाहे कुछ भी कर लो। कौन सा केक? पाइन एप्पल केक बन रहा है, क्योंकि मम्मी को पाइन एप्पल केक बहुत ज्यादा पसंद है। बहू वो तो ऐसी है कि नहीं? क्या है ये? एडिबल गोल्ड पाउडर। एडिबल गोल्ड पाउडर? चले। और फिर नीचे जाके हमने पापा अम्मी का केक कट किया और फिर ढेर सारे फूल बरसाए। क्या हो गया? ब्रेड जला दी? वाह, कौन सी नई बात है। ये सब तुम तो करती रहती हो, क्यों बार बैठ के बोल रही हो? हमने जैसी स्मेल क्या रही क्यों ऐसा हमने जैसी स्मेल क्या रही है और यहाँ पे ब्रेड जला दी। नीचे को करके और नीचे और नीचे। हाँ, गरम है? नहीं नहीं वो हाथ। थैंक यू। बहुत पेन हो रहा है मेरे, ये सच में। क्या हो गया शोएब? बोलो बोलो। छोटा बोल दे दिया मेरे को, गिर रहा है पूरा वो। तो आप इतने एक्सपर्ट हो कि आप इसे संभाल लो। हाँ हाँ चलेगा। खुशबू आ रही है सही। अम्मा आपका मन था ना खाने का फिर से? मन है बेटा। अचारी को बहुत अच्छे, बहुत खुशबू आई। देखो बहुत खुशबू आई।
आप खाना और ये मैडम मटन से ऑयल निकालते हुए, क्योंकि ये सारी डिशेस में ऑब्वियसली बात है ऑयल ज़्यादा पड़ता है फ्लेवर के लिए, तो बाद में उसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। अम्मी अम्मी वैसे खाना खाने के बाद ऊपर बैठती हैं, लेकिन आज अभी नीचे बैठी हैं। नहीं, अम्मी खाना खाने के बाद ऊपर बैठती हैं, लेकिन आज जलेबी अभी नीचे रखती तो नीचे बैठी हैं। रबड़ी जलेबी गोश्त रोटी अल्लाह तो नहीं करे बहुत अच्छा पेट भरो है मोर वाला। बेटी खा पूछो क्या जलेबी और रबड़ी उसकी बहुत फेवरेट चीज है, उसको बहुत पसंद है। जब भी मौत आ जाती है वहां से बोलती है मुझे जलेबी रबड़ी की बहुत याद आती है। क्या शीट मास्क? शीट मास्क इतनी रात में तुम्हें? शीट मास्क रात में ही शीट मास्क लगाते हैं ताकि फिर जब हम रात में सोए तो उसकी जो अच्छी अच्छी चीजें वो सब एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद नाइट सीरम लगा के आई विल टेक माय ब्यूटी स्लीप। और फिर आप 3 बजे अमरेला से खेलोगी। गाना गा दो बिजली गिराने में हूँ भाई। एक शर्ट पे गाऊंगी। बोलो अच्छे से एकदम एक्टिंग करके गाऊंगी। हाँ, पर आपको शर्ट माननी पड़ेगी। बोलो मुझे एक अच्छी सी चाय पिलानी पड़ेगी। मतलब ज्यादा ही लाड़ में नहीं आ रही तुम? रात में 1:30 बजे इनको चाय चाहिए। आपने 3-3 बजे पी है। हाँ तो आप ही से सीखी हूँ मैं। शादी के बाद ही मुझे यार मैं पता है मैं पहले नहीं थी मुझे याद थे। मैं बना भी देता। आप बड़े कमाल की चाय बनाती हो सच में। मैं बना भी देता मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्चुअली किचन इतना गंदा कर देती हो ना तुम। जाओ देखो जाओ जाओ फर्स्ट सी देन स्पीक। हाँ Zoom, zoom, close. Ah, yeah. First, see, then. Then, what? Zoom, or zoom, or zoom. Ah, what? 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 बहुत गलत बात है, प्लीज आप लोग ऐसा ना करें। आप जब भी शीट मास्क लगाए तो किसी दूसरे इंसान को अपने आस पास ना रखें। I don't believe this. मैं इसे मिरर बना के अपना शीट मास्क लगा रही हूँ। मेरी आलसी पने की हद। मैं एक्चुअली बड़ी कंफर्टेबल हो चुकी थी। किसी ने आके मेरे पूरे कंफर्ट को भ्रष्ट कर दिया। अरे क्या चल रहा है यहाँ पे? ये मेरा मिरर हटा दिया। फिर हटा दो मम्मी तो। नहीं ना प्लीज। अरे क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है यहाँ पे? ओले और ये मैडम की चाय रेडी हो गई है। थैंक यू। दीदी हमने मैडम को चाय, इनका शीट मास्क अभी तक लगा हुआ है और मैंने चाय नहीं पी है अभी, क्योंकि मैंने बनाई भी नहीं है। मैडम बनी है आज, मैंने सिर्फ मैडम को बना के दी है। ठीक है तो तुम पियो और हम बस इस वीडियो को एंड करते हैं। ज़्यादा कुछ शायद है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में, क्योंकि अभी फ्रेंकली बोले विला से ज़्यादा कुछ नहीं नहीं, बट फ्रेंकली बोले अभी तक विला से भी आ गए, ये भी वापस आ गई, विला से भी आ गए, मेरा बर्थडे भी हो गया, सब हो गया, तो मतलब रिलैक्स्ड अभी एक दो दिन। और प्लस मेरे जिस हाथ से मैं फ़ोन पकड़े हुए हूँ उसमें रिस्ट में बहुत मेरे पेन है। बस अम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो एक दो दिन का व्लॉग मैंने मिक्स एंड मर्ज करके मैंने बनाया है, इसको देखिएगा। बहुत सारा शुक्रिया आपको दुआएं देने के लिए, अम्मी पापा को इतनी सारी विशेज देने के लिए उनकी एनिवर्सरी की।
बस दुआ कीजिएगा उनका जोड़ी ऐसी बरकरार रहे, उनमें प्यार लड़ाई झगड़े हर चीज ऐसी बरकरार रहे, क्योंकि हर चीज एक रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 36 इयर्स उनकी शादी के हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी ऐसी जिंदगी में साथ रहें, सलामत रहें, खुश रहें, ये दुआ जरूर कीजिएगा आप लोग। तो बस इसको मैं करता हूँ एंड, और ये वीडियो भी देख लीजिएगा ठीक है अच्छे से, और इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिएगा, प्यार बांटिएगा, ख्याल रखिएगा, जो मर्जी आप वो करिएगा, लेकिन सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी हिफाजत कीजिएगा, खुश रखने की कोशिश कीजिएगा उन्हें, और इंस्टाग्राम ट्विटर भी फॉलो कीजिएगा। और इनका मास्क अभी इनका शीट मास्क अभी तक लगा हुआ है, निकाल दूंगा इसको अभी, हो गए 20 मिनट। या चलो अल्लाह हाफिज़।